कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सोमवार को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पूर्व वहां की तैयारियों का जायजा लेने के बाद शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की तथा अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लिया। शाम को उन्होंने गोरखनाथ मंदिर से निकलकर नगहा रोड वाया स्पोर्ट्स कॉलेज मार्ग पर फोरलेन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि इस फोरलेन के निर्माण से गोरखपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ होगा। यह जरूरी है कि इसका निर्माण निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि फोरलेन निर्माण के साथ ही यह ध्यान देना जरूरी है कि अभी से ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों कि यहां व आसपास के मोहल्लों में जल भराव की समस्या न होने पाए। उन्होंने फोरलेन के किनारे विद्युत तार को अंडरग्राउंड करने तथा फोरलेन पर पर्याप्त पथ प्रकाश की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हिदायत दी कि निर्माण की गुणवत्ता में कोई खामी नहीं मिलनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहे तक फोरलेन निर्माण से करीब 5 लाख की आबादी को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। 2.89 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम योगी ने पार्षदों से सड़क की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली और कहा कि कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहल्ले के बच्चों से बात की, उनको चॉकलेट दिया, जिस पर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, सदर सांसद रवि किशन, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, SDM सदर कुलदीप मीणा, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वार्ड नंबर 70 जंगल नकहा के पार्षद उमेश चंद श्रीवास्तव ने कहा, कहाँ एक स्ट्रीट लाइट दीजिए भी जोड़ दीजिए ना, जैसे ये आगे है पीछे जैसे है कहाँ गए चीफ इंजीनियर का लाइट दीजिए ठीक है ना, और स्ट्रीट लाइट दे देंगे उसी प्रकार पे दीजिए, लेकिन उतना जितने भी ये ऊपर पोल है तार है सबको शिफ्ट कर दो ना नीचे अंडरग्राउंड कर दो आप आसमान के ऊपर देख सकते हैं। वो सर ड्रेनेज की क्या व्यवस्था ड्रेनेज नाली सर पहले से बनी हुई है, इधर का पानी गोरखैया से होकर निकल जाएगा उधर जंगल खोल जाएगा, नहीं कहीं वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, मोहल्लों का पानी कहीं भी पानी अगल बगल के मोहल्लों में भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए ठीक है ना, इसको एक बार देख लो चेक कर।
कहीं वाटर लॉगिंग नहीं नहीं इसमें डिजाइन का पानी कहीं भी पानी अगल बगल के मोहल्लों में भी वाटर लॉगिंग नहीं है उसमें देखिए उसमें स्ट्रीट लाइट भी दीजिए जिससे वह पानी यहाँ का जितना बरसात का पानी निकल जाए ठीक कैसे है जी ठीक है ना ये काम चलना है ना एकदम तो भी नल जमाव भी नहीं होगा क्यों भगा रहे क्यों सड़क बन रही है तो की ना ठीक बन रही है स्कूल स्कूल पढ़ते हो सभी लोग जाते हो स्कूल ना रोज बहुत अच्छा सड़क बनने से विकास होगा यहाँ आने जाने में फिर समस्या आओगे पकड़े सबको दे दो छोटे बच्चों को एक व्यक्ति एक बार में भाई तुम बच्चे हो छोटे बच्चे हो गया ना सबको जस्ता जिसको नहीं मिला उसको तो उमेश चंद श्रीवास्तव पार्षद वार्ड नंबर 70 जंगल नकहा में महाराज जी के द्वारा लगभग 8-10 करोड़ का काम यहां चल रहा है और जिससे यहां पूरे वार्ड में पानी भरा हुआ था महाराज जी उसको देखते हुए आज यहां 8-9 करोड़ का काम जो दिए हैं यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज महाराज उसको अपने स्वयं देखे हैं निरीक्षण किए हैं ये भी एक जनता में बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि जो महाराज जी धन देते हैं उसको वो देखते हैं कि काम हो रहा कि नहीं हो रहा है और इसके और यहाँ जो आज आपका डिवाइडर बन रहा है ये भी आपका जो नकहा पुल से लेकर के और इस ओर कॉलेज तक है उसको भी महाराज जी ने निरीक्षण किया यह हमारे बहुत ही यहाँ जनता के लिए बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और मैं पुनः महाराज से अभी और निवेदन करते हैं कि बार बार इसको और आकर के देखते रहें जिससे काम अच्छे ढंग से हो सके।